लोकसभा के चुनाव से पहले केंद्र और राजस्थान दोनों ही सरकारों को किसानों की चिंता सताने लगी है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को 6000 रुपए सालाना पेंशन देने का ऐलान किया गया तो राजस्थान सरकार ने भी कुछ यही पैतरा चुनाव से पहले आजमाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अब प्रदेश के किसानों को पेंशन देने का फैसला किया है। सीएम गहलोत की ओर से अब राजस्थान में वृजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019 जारी कर दिया गया है। राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश में 55 साल से ज्यादा की उम्र की महिला और 58 साल से ज्यादा की उम्र के पुरुष किसानों को 750 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। वहीं 75 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 1000 रुपए पेंशन हर महीने मिलेगी। ये योजना 1 मार्च 2019 के योजनाओं के नियम लागू होंगी। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए 30 दिन के अंदर पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा जो कि संबंधित तहसील के राजस्व कर्मी और अधिकारी प्रमाणित करेंगे। राजस्थान में 30 लाख लघु सीमांत श्रेणी के वृद्ध किसान हैं, जिनमें से 19 लाख किसान कई सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। राज्य सरकार की इस योजना से प्रदेश के करीब 11 लाख वृद्ध किसानों को फायदा होगा। यानी पहले किसानों को कर्ज माफी का फायदा मिला, इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से पेंशन का लाभ और अब राज्य सरकार की ओर से भी बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू होने से बुजुर्ग किसानों को फायदा होने वाला है। यानी चुनावी सीजन में किसानों के दोनों हाथों में लड्डू आने वाला है।